और अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर लॉकडाउन से बंद एयर अरेबिया की G9416 शारजा नागपुर फ्लाइट का आगमन सुबह हुआ, जिसमें 104 यात्री पहुंचे। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट करवाने के बाद उन्हें 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन भेजा गया, जबकि राहत की बात यह है कि सभी यात्रियों की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। नागपुर शहर में रविवार को तब एक टेंशन बढ़ गया जब शारजा से नागपुर एक विमान पहुंचा, जिसमें 104 यात्री सवार थे। प्रशासन में तुरंत मुस्तैद बताते हुए सभी यात्रियों के RT-PCR टेस्ट करवाए, जो सभी के निगेटिव आए। सभी यात्री होम क्वारंटाइन में भेजे गए। इन यात्रियों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर भी रखेगी। करीब 2.25 साल बाद रविवार को पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नागपुर पहुंची। इसमें 95 वयस्क, 5 शिशु और 4 केबिन क्रू मिलाकर 104 लोग थे। सभी यात्री शारजा से भी टेस्ट करवा कर पहुंचे थे, लेकिन 6 घंटे में जांच के नियम के तहत नागपुर एयरपोर्ट पर भी सभी यात्रियों की जांच कराई गई। मुसाफिरों को 3 घंटे रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट में रुकना पड़ा, इसके बाद ही वे बाहर निकल पाए। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बनी आशंकाओं के बीच एयरपोर्ट में इन यात्रियों की आमद के बाद कोई तनाव की स्थिति नहीं देखी गई। बाद में फ्लाइट G9415 नागपुर शारजा 95 यात्रियों को लेकर गई। इनमें 3 शिशु शामिल रहे।